नमस्कार। आज बात करने वाले अपन एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम रहेगा SSD, दैट मीन्स स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। ये कैसे क्या वर्क करता है, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, इसके हम लोग आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं विथ न्यूमेरिकल के साथ। सेकंड, द ब्रेकिंग डिस्टेंस और द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। सेकंड, इसका जो पार्ट होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस मूव करता है व्हीकल के अप्लाई द ब्रेक, यानी किस कंडीशन में वो ब्रेक अप्लाई करेगा, वहाँ की वो डिस्टेंस कितनी होगी। बिफोर कमिंग टू ए स्टॉप डिपेंड आल्सो ऑन द इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल, हेंस इट इज द एविडेंट दैट द हायर द स्पीड हायर विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस। थर्ड होता है इसका इफिशेंसी ऑफ द ब्रेक, ब्रेक की क्या इफिशेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। द ब्रेकिंग इफिशेंसी इज सेड टू बी 100%, ब्रेक ऐसे मानते हैं कि जो ब्रेकिंग की जो इफिशेंसी होती है वो 100% होना चाहिए। इफ़ द व्हील आर फुली लॉक, कब होनी चाहिए, जब आपका जो व्हील होता है कंप्लीट और लॉक हो। प्रिवेटिंग सिस्टम मूव द रोटेटिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, और जैसे वो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो व्हील होते हैं वो कंप्लीट लॉक हो जाने चाहिए, तब जाके हम लोग उसमें 100% इफिशेंसी की बात करते हैं, बट ऐसा ये पॉसिबल नहीं होता है। दिस विल रिजल्ट इन 100% व्हीकल्स को कम्प्लीट स्कीडिंग करने से रोक सकते हो। अगर आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, अगर आपकी कंडीशन सिचुएशन नहीं ओके नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी जो व्हीकल होते हैं वो आपके वहाँ पे रोटेशन में भी आ सकती है, डेट में पलटी भी मार सकती है, या आपका जो वर्क होता है वो वहाँ पे एक्सीडेंट के बहुत खतरनाक चांसेस में कन्वर्ट हो सकता है। हेंस टू अवॉइड स्किड द ब्रेकिंग फोर्स शुड नॉट एग्जिट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द व्हील एंड टायर, और इस बात को हम लोग अवॉइड करते हैं स्केडिंग को, और द ब्रेक फोर्स जो अप्लाई होता है नॉट एग्जिट द फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे आपने वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो ब्रेकिंग के फोर्स होते हैं तो वहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स और बिटवीन द व्हील एंड टायर, वहाँ के जो टायर होते हैं, जो व्हील होते हैं, जो रोड होती है उसके ऊपर उसका फ्रिक्शन टाइम क्रिएट होता है। फिर ये था फिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर, फिक्शनल जो रेजिस्टेंस होती है रोड और टायर के बीच में कितनी होनी चाहिए। द फिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड बिटवीन रोड एंड टायर, द स्किड रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ द रोड सरफेस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर, जो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितनी होती है। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप बिटवीन रोड एंड टायर्स और द स्किड रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टाइप्स एंड कंडीशन ऑफ द रोड सरफेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि जो रोड की जो कंडीशन होती है, रोड की सरफेस की कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, एंड द टायर और टायर की क्या कंडीशन है, इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि दोनों के अंदर कितना क्या रिएक्शन। फ्रिक्शन के डिस्कशन किया था लास्ट की क्लास थी, उसके अंदर जो 4.11 जो आर्टिकल पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था कि इसके रेजिस्टेंस कितने होता है। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन स्किड रेजिस्टेंस, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है किसके, डिक्रीज है स्किड रेजिस्टेंस, जो स्किड रेजिस्टेंस होती है उससे ज़्यादा होती है उसके ब्रेकिंग डिस्टेंस के पार्ट। IRC है द स्पेसिफाई एज द डिजाइन फ्रिक्शन कोफिशियंट, IRC के होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द स्पीड टू बी यूज फॉर द फाइंडिंग द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। दिस वैल्यू अपार्ट फ्रॉम द हैविंग सफिशेंट सेफ्टी फैक्टर परमिट एट रेट ऑफ रेडिएशन विथ इज द फेयरली कम्फर्टेबल फॉर पैसेंजर। ये जो वैल्यू प्रोवाइड करी गई है ये सफिशेंट होती है सेफ्टी ऑफ फैक्टर के अंदर हम लोग इसको काउंट करते हैं, और इतना हम लोग परमिट करवाते हैं एक कंफर्टेबल पैसेंजर के लिए, जो पैसेंजर वर्क करता है उस जो पैसेंजर किसी व्हीकल्स के अंदर ट्रेवल करता है उसके लिए कंफर्टेबल पार्ट होता है। एनालिसिस ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है उसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें वर्क करते हैं। जो कंप्लीट जो टोटल ट्रेवल करती है व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम, जो उसका टोटल जो रिएक्शन टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग जितना आपके जो व्हीकल है वो ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग लेग डिस्टेंस में काउंट करेंगे। दूसरा पार्ट आप
सेकेंड पार्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक टू ए डेड स्टॉप पोजिशन विच इज नाउ एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस. एक ऐसा डिस्टेंस बाय ट्रेवल करता है व्हीकल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जो ब्रेक लगाने के बाद की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में ब्रेक लगाने के बाद में आपका जो व्हीकल्स होता है वो कितना ट्रेवल कर रहा है. जैसे आपने ब्रेक लगा, ब्रेक लगाने से कोई भी अगर चीज़ क्रिएशन होती है, ब्रेक लगाने के बाद में जो ट्रेवल करता है, जो आगे मूव करने की जो कंडीशन होती है वो डिस्टेंस काउंट होती है. टू ए डेड दूरी जो डिस्टेंस है डिपेंड करती है या ट्रेवल करती है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस. जिस कंडीशन में आपने ब्रेक लगा, ब्रेक लगाने के बाद में जहाँ जाके आपकी गाड़ी रुक रही है वो जो डिस्टेंस होगी वो चीज़ आपके लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस में काउंट हो जाएगी. फिर होती है लेग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इसको फुल डिस्कशन करते हैं कि लेग डिस्टेंस में क्या वर्क करता है. ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम और PIV टाइम द व्हीकल मे बी द एज्यूम टू प्रोसेस फॉरवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड एट विच द व्हीकल has been moving and this speed may be taken as the design speed. किस कंडीशन में हम लोग लेग डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं कि जब टोटल रिएक्शन टाइम और PIV टाइम के अकॉर्डिंग व्हीकल आपका एक नॉर्मल कंडीशन में वो जो यूनिफॉर्म जो उसकी स्पीड होती है उसको मेंशन करते हुए हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करते हैं. इफ यदि उस व्हीकल की V इज द डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड हमने माना डिजाइन स्पीड है उसकी किसके अंदर है मीटर पर सेकेंड में है, एंड T इज द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इन सेकेंड. और T आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, जो ड्राइवर ने जितना जो रिएक्शन टाइम लिया है वो आ गया आपका किसके अंदर आया सेकेंड में. हमने अभी बात करी थी कि कितना सेकेंड वो ले सकता है, तो लेग डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, तो V इंटू T मीटर के अंदर इसका जो लेग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी V इंटू T. V कितनी नॉर्मल स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड में एंड T हो गया उसका सेकेंड में, तो सेकेंड से सेकेंड यह कैंसिल हो जाएगा और इसका जो डिस्टेंस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में. तो ये नॉर्मल एक स्पीड के लिए हुआ. इफ़ द डिजाइन स्पीड इज V किलोमीटर पर आवर, यदि अगर डिजाइन स्पीड आपके पास में कैपिटल V है किलोमीटर पर आवर में, ये तो फर्स्ट जो स्मॉल भी हमने काउंट किया था मीटर पर सेकंड में किया था, अब अगर आपके पास में हैवी एक आप ज़्यादा अगर स्पीड की किलोमीटर पर आवर के हिसाब से काउंट करते हैं तो उसमें किस टाइप से इसको वर्क कर सकते हैं, लेग डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं. इफ़ द डिजाइन स्पीड इज V कैपिटल V किलोमीटर पर आवर देन द लेग डिस्टेंस का जो वर्क होगा जो फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा, क्यों लेग डिस्टेंस आपकी हमेशा मीटर में आपको काउंट करनी रहेगी. तो किलोमीटर के हिसाब से अगर आप वर्क करते हो तो V इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. ये 1000 अपॉन 60 इंटू 60 क्यों किया, क्योंकि आपके पास में V की वैल्यू किसके अंदर है किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने वाले हैं. तो मीटर पर सेकंड में जैसे चेंज करते हैं तो किलोमीटर का वो मीटर में चेंज किया तो 1000 हो गया, आवर का पार्ट हो गया 60, देर में पहले मिनट हुआ, मिनट को फिर हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 60. तो इस टाइप से इसका जो आंसर होता है वो T की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.278 V इंटू T. तो इसमें कैपिटल जो हमारे पास में लेग डिस्टेंस की जो वर्क जो वैल्यू आएगी इसको जैसे हम लोग T की वैल्यू 0.25 मेंशन करते हैं. द IRC हैज द आल्सो रिकमेंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन टाइम, IRC के अकॉर्डिंग जो IRC रिकमेंड करती है रिएक्शन टाइम T इक्वल टू 2.5 सेकंड का करती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस. जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे आपको T की वैल्यू 2.5 मेंशन करना है. नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की. द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन F डिपेंड ऑन सर्वल फैक्टर्स सच एज द टाइप्स एंड कंडीशन ऑफ द पेमेंट सरफेस. जो फ्रिक्शन कोफिशियंट फ्रिक्शन F की जो वैल्यू होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी पेमेंट सरफेस के ऊपर और टायर के ऊपर. ऑल्सो द वैल्यू ऑफ F डिक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पीड. जो F की वैल्यू होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है विथ किसके अकॉर्डिंग, स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज होगी वहाँ पे आपकी F की वैल्यू कम होती जाती है. तो IRC रिकमेंड द फॉलोइंग F वैल्यू ऑफ डिजाइन. तो F की वैल्यू IRC के हिसाब से किस हिसाब से रिकमेंड करी गई वो एक टेबल के अकॉर्डिंग शो किया गया. भाई एक में स्पीड दिया गया है, सेकंड में लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट फ्रिक्शन दे रखा है F की वैल्यू. अगर आपकी स्पीड 20 से 30 किलोमीटर पर आवर है तो वहाँ पे F की वैल्यू 0.4 हो जाएगी. अगर स्पीड 40 है तो वहाँ पे F की वैल्यू 0.38 हो जाएगी. स्पीड 50 है तो F की वैल्यू 0.37 हो जाएगी. 60 स्पीड है तो F की वैल्यू 0.37
0.36 हो जाएगी। 65 है तो वहाँ पे भी आपकी जो एफ की वैल्यू आएगी 0.36 हो जाएगी, और 80 स्पीड है तो वहाँ पे फ्रिक्शन आपका 0.35 हो जाएगा, 100 स्पीड है तो एफ की वैल्यू 0.35 काउंट हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे फ्रिक्शन इसका कम होते जाता है, क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी स्पीड के अंदर आप ब्रेक लगाओगे तो जो उसकी लेग और एफ की वैल्यू,